देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम ना सच में आउच आउच क्या आउच, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना दर्द। वहां क्या हो रहा था? बहुत हीरो बनना था ना तुम्हें, बहुत कूल लगना था, अब देखो आउच। चुप, बिल्कुल हिलना छोटिंग, नहीं छोटिंग। हाँ ठीक है तो होने दो, तुमसे बेहतर तो बच्चे होते, ज्यादा मैच्योर होते, ज्यादा समझदार होते। वैसे रणबीर सच कह रहा था क्या कि तुम सुनाती बहुत? एक बात बताओ, रणबीर को भी इतने सुनाती है? उसे क्यों डांटूंगी, उस पर कोई हक नहीं है। उसे क्यों डांटूंगी मैं? हाँ उस दिन पुलिस स्टेशन में उसे जब बैंडेज कर रही थी तो उसे थोड़ा सा डांटा था, सुनाया नहीं था। और तुम खुद को देखो ना, क्या करते रहते हो तुम? अपने डैड के बारे में सोचा है कभी? वो तुम्हें ऐसे यहाँ देखना चाहते, समझदार, जिम्मेदार, अपना ख्याल रखने वाला। और ये क्या हरकत है तुम्हारी, सच में बच्चे हो तुम बिल्कुल। तुमसे ज्यादा समझदार तो मेरी खुशी है। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम सबको इतना डांटती हो या फिर मैं थोड़ा स्पेशल? सबको नहीं डांटती, जो मेरे अपने होते हैं जिन पे हक होता है मेरा उन्हीं को डांटती, पागल नहीं हूं मैं। इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि मुझ पर तुम्हारा हक है? हक मैं तुम्हारी डैड के साथ काफी सालों से काम कर रही हूँ, ऑफ कोर्स उनके साथ एक रिश्ता है मेरा, उन्हें बहुत भरोसा है मुझ पे, विश्वास है। आई थिंक हक के लिए इतना काफी है, नहीं? हुआ क्या है प्राची को? इसके पापा के लिए काम करती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि ऐसे अक्षय का ख्याल रखेगी, वो भी यहाँ इस रूम में ऐसे अकेले में। प्रिया इधर आओ, ये बैंडेज कर दो, सर को दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी करो। एंड इफ पॉसिबल प्लीज टेक केयर। आई विल, थैंक यू। ये क्या सोच रहा हूं मैं भी यार, ये प्रिया से प्यार करता है और प्राची के बॉस का बेटा है, शी इज राइट, इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा ही ना। आई नो ये भी बॉस ही हुआ टेक्निकली, और कुछ नहीं है। आई एम श्योर प्राची से पहले प्रिया ही से संभाल रही होगी, तभी तो बेचारी हाथ धोने गई, बैंडेज लगाते लगाते हाथों में कुछ लग गया होगा, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही सोचा था मैंने, तो इसको देखो क्या स्माइल कर रही है यार, एकदम दिल से वाइब्स दे रही है, ये सच में लाइक करती है अक्षय को। और पता नहीं मैं क्या ही सोच रहा था। मुझे ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है, मैं ये सही नहीं है, गलत है, ऐसे कैसे? नो शिट, नो 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 नो, क्या हो रहा है मुझे, क्या मैं ये सब क्यों ऐसे महसूस कर रहा हूँ, ये नहीं महसूस करना है मुझे। रणबीर, रणबीर क्या हो क्या रहा है यार ये सब? हाँ ये क्या हुआ बाहर यार? मैं एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये सब। मुझे मुझे मुझे, मुझे देख
मुझे गुस्सा आ रहा है प्राची पे, ठीक है? इतने सालों से मैं उससे गुस्सा हूँ, इतने सालों से मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए नफरत है, गुस्सा है, सवाल है और कुछ नहीं है। मैं उसको देखता हूँ ना, मैं झगड़ा करना चाहता हूँ उससे, मैं लड़ना चाहता हूँ उससे, लेकिन पता नहीं अभी भी क्यों ऐसा। I know, मैं वहीं था यार, मैंने सब देखा। जब प्राची तेरे पास से गई मैं वहीं पे था, तेरी हालत देख के मैं आ रहा था तुझसे बात करने, फिर तू अंदर आ गया। अरे यार मैं पूछना चाह रहा था तुझसे यार, आखिर हुआ क्या था वहाँ? मुझे जेलसी हो रही है, मुझे सच में जलन हो रही है बहुत ज्यादा। प्राची जब अक्षय का ऐसे हाथ टच कर रही है ना, तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। एंड इट्स शॉकिंग, क्योंकि जब आपको जलन महसूस होती है किसी और से, तो वो ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके दिल में उस इंसान के लिए कुछ होता है, पर मेरे दिल में तो कुछ है ही नहीं उस इंसान के लिए यार, तो फिर मुझे ऐसे जलन क्यों हो रही है? मेरे दिल में सिर्फ सवाल है, सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ नाराजगी है, सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं है। फिर मैं ये सब क्यों महसूस कर रहा हूं जब कुछ है ही नहीं, तो क्यों मेरे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा फील नहीं। रणबीर। हाँ डर, कंट्रोल कर, संभाल खुद को। मैंने अपने आप को संभाला हुआ है ना, कंट्रोल क्यों करूं मैं? सब कुछ तो कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग इज फाइन, है ना? या आई एम ओके, आई एम फाइन। बताना पड़ेगा, जरूरत है, मैं तेरा डैड हूं, समझ रहा हूं कि इस वक्त तू क्या फील कर रहा है, तू किन इमोशन से गुजर रहा है, सब समझ रहा हूं। तो ये जो तू इस वक्त फील कर रहा है ना, उसे कंट्रोल कर, उसे संभाल। डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, इज नथिंग लाइक इट मैम, सब कुछ नहीं है। अच्छा तो मतलब मैं जो देख रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, वो सब गलत है? गलत नहीं है, आई मीन गलत है। मैं मर नहीं रहा हूं प्राची के पास जाने के लिए, मैं क्यों जाऊंगा? मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, हर बार वो गलती कर रही है, और सिर्फ एक बार नहीं डैड, बात बात पे वो गलती करती है। इतनी बड़ी बात छुपाई उसने मुझसे क्या छुपाया? वो जिंदा थी, उसने मुझे नहीं बताया, मेरा तो हक बनता है ना जानने का। वर्स्ट पार्ट इज कि इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी उसे अभी भी ऐसा लगता है कि सब मेरी गलती। मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, और ये इमोशन फील करने के बावजूद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज भी मैं उससे मुझे उससे जितना गुस्सा होना चाहिए था ना, उतना गुस्सा मैं नहीं हो रहा हूं। मतलब वो यही तो है, घर पे है, मेरे बर्थडे पे आई है, घूम रही है आसपास, मुझे और गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा हूं, मैं तो ऐसे बिहेव कर रहा हूं कि मुझे उससे जैसे। अरे रणबीर तुम, आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं अक्षय बेटा, आओ ना। अब डिस्टर्ब होगा भी नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं थी। यू श्योर? राइट, यस यस, वेरी श्योर। अरे श्योर हो तो चलो ना, टाइम हो गया है। किस चीज का? इतना सेटअप किसने किया? प्रपोज करने का टाइम हो गया, चलो मेरे साथ, कम ऑन, वी गेटिंग लेट, कम कम कम। क्या कर रहा है रणबीर? एक तरफ जेलस फील कर रहा है और दूसरी तरफ खुद अक्षय की हेल्प कर रहा है प्राची को प्रपोज करने के लिए। कैसे समझाऊं इस लड़के को और क्या समझाऊं? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम यहाँ पर थे यार। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अरे नहीं यार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। लुक, क्या हो गया? कि मेरा लास्ट चांस है उसे बताने का कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, हाउ मच आई लव, बट यू नो अंदर से ना बहुत, यू अंडरस्टैंड, घबराहट सी हो रही है, और उसके सामने दिल निकालना तो छोड़ो, अगर इस बार मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया ना, तो अपने दिल से उसे प्रपोज करने का ख्याल ही निकाल दूंगा यार। यार यू हैव टू रिलैक्स अक्षय, प्लीज काम डाउन, इट्स ओके। तुम अपना दिल भी उसके सामने रखोगे, तुम अपनी बातें भी कर पाओगे, ओके? इस बार कौन प्रपोज करवा रहा है तुम्हें? रणबीर कोहली, द लव एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, और मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज करवाऊंगा ना कि लड़की ना नहीं बोलेगी, बोलेगी तो सिर्फ हाँ। एग्जैक्टली, तो इसी खुशी में ये लो तुम्हारी पेन ड्राइव। अरे ये पेन ड्राइव तुम्हारे पास कैसे है? मैंने तो तुम्हें नहीं दी। तुमने नहीं दी? मैंने तुम्हारे जेब से निकाली चुपचाप। ओह, लव एक्सपर्ट के साथ साथ हाथ सफाई एक्सपर्ट भी, नॉट बैड। नहीं नहीं यार, दोस्ती निभाने का एक्सपर्ट हूँ, दैट्स इट। तो मैं जाऊं? हाँ प्लीज, ऑल द बेस्ट, आई नीड इट। यस रणबीर। हाँ डैड,
तू ठीक तो है ना? हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यस आई एम फाइन. वो आई नो, मैंने जो अंदर रिएक्ट किया मुझे नहीं करना चाहिए था ना, बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था. बट सॉरी मैंने ऐसे रिएक्ट किया. बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम ओके, ट्रस्ट मी, आई एम फाइन. इतनी मैच्योरिटी रणबीर, मतलब इतना बड़ा दिल. जिस लड़की से खुद हमेशा प्यार करता आया है, आज उसी को किसी और से प्रपोज करवा रहा है. पता नहीं मुझे इतनी जेलसी क्यों हो रही है. नहीं होनी चाहिए थी ना, थोड़ा ख्याल ही तो रख रही थी वो अक्षय का. क्यों ऐसे रिएक्ट किया मैंने? रणबीर पुत्र. अनिता, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझसे ऐसे सब बच्चों की तरह क्यों पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं. मैं ठीक हूँ. अच्छा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा तो कट था. उस कट से भी छोटा बैंडेज लगाया हुआ है, देखो. इससे बड़ी चोट तो वो अक्षय को लगी थी. इट्स ओके, ट्रस्ट मी, आई एम फाइन. ओहो रणबीर, तू समझ नहीं रहा. छोटी किसी और ही वजह से पूछ रही है कि तू ठीक है कि नहीं. क्योंकि क्योंकि क्या? अरे अरे बड़ी दादी, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? देखो प्राची, अगर यहाँ पे है भी नहीं भी है, जो भी करती है, किसी का ख्याल रख रही है, किसी का ख्याल नहीं रख रही, उसे सानू की मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता. रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. डोंट वरी, आप पार्टी इंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में. हो गया? अरे सैड मत रहिए, बर्थडे मेरा, स्माइल. क्या चल रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पल्लवी. या तो रणबीर सदमे में है, या फिर मैं सदमे में हूँ, या फिर सच में ऐसी कोई बात है जो ना तो मेरी समझ में आ रही है और ना ही रणबीर के समझ में आ रही. तुम लोग क्यों अपने दिमाग के घोड़े इतने दौड़ा रहे हो? अरे उनके बीच में जो था वो बरसों पहले था. वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है. रोला पाया हो या थोड़ी ठंड रखो, हो नहीं तो कोई. इसको बिल्कुल याद से सही टाइम पर प्ले कर, भूलना मत बिल्कुल भी. ओके, ऑल सेट? या ब्रो, फाइनली आई थिंक ऑल सेट. वेरी गुड. डीजे वाले बाबू सुनिए ना, आप अपनी लाइफ का ना सबसे रोमांटिक गाना बजाइएगा. ओके, नाइस. और तुम मेरे साथ डांस फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच जाना. मैं लव ऑफ योर लाइफ को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, उसके साथ थोड़ा डांस करना रोमांटिक. और डांस के बाद, ठीक है, लेकिन डांस क्यों? डांस के बाद उसको ये फूल देना और उसको कहना, मेरी सुबह का सूरज सिर्फ तुम हो. व्हाट? मेरी सुबह का सूरज सिर्फ तुम हो. ओ हेलो, व्हाट इज दिस, ये सुबह का सूरज एंड ऑल दैट? सुबह का सूरज देखे हुए ना मुझे जमाना हो गया, और जब तक मैं उठता हूँ ना तब तक सूरज उग चुका होता है. तो प्लीज मेरी बात मानो, ये बाबा आदम के जमाने की जो शायरी है ना, मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि सुबह का सूरज तुम हो और मैं रात हूँ. ऐसा कुछ नहीं करेंगे. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टिक टू द प्लान. तुमने जो मुझे आइडिया दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया. अब तुम सिर्फ एक काम कर, जैसे ही मैं उसके पास जाऊँ, घुटनों में बैठूँ और ये फूल निकाल के उसको दूँ, उस वक्त डीजे को बोल के जो मैंने पूरा प्रपोजल रिकॉर्ड किया होगा उसे प्ले करवा देना, और उसके बाद जो मैं उस लड़की को कहना चाहता हूँ वो सब कुछ प्रोजेक्टर के सामने आ जाए. You got it? I got it perfect. Let's do this. ये रहा तुम्हारा फूल. Okay. वो रहा तुम्हारा डीजे. चल. और वो रही तुम्हारी लव ऑफ योर लाइफ. Let's go. Come. Let's go. कसूर बे कसूर, दिल तू बता रे
नैणा दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैणा दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैणा दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर ए दिल तू बता रे दिल को हजारा बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे हुआ क्या है हमको दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके बत्ती है ना है धूप ना कसूर नैणा दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैणा दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर दिल तो बता रे मुझे कुछ कहना है। अरे अरे हाँ जा रही हो। अक्षय को तुमसे कुछ कहना है। क्या तुमसे? कब? कौन कहता है अब मैं हूं अब मैं तुम हूं मैंने प्राची को लेकर इसको प्रपोज कर तुम मेरा ख्याल हो तुमसे ही दिन होता है तुमसे ही रात दिल में है नहीं अब कोई जज्बात कुछ है तो तुम और सिर्फ तुम विल यू मैरी मी प्राची अरोड़ा प्राची, मैं इंतजार कर रहा हूं कुछ तो बोलो एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं पर प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अतीत से जुड़ी हुई तुम चलो मेरे साथ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं यार तुमने डेफिनेटली उसको देखा हो देयर यू गो थर्ड रो में लास्ट टेबल पे बैठी देख लो हाँ अक्षय तो लेकिन प्रिया से लेकिन प्राची भी तो थी वहां पे हाँ प्राची थी वहां इट्स ओके तुम्हें टाइम लेना है तुम लो जितना टाइम लेना है तुम आराम से लो
मैं तुम्हारे सामने ऐसे घुटनों पे बैठा रहा हूं, एक दिन, एक महीना, एक साल, एक साल तो ज्यादा हो गया। पर प्राची मैं क्या करूं, ये दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है, और तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक शब्द सुनना चाहता है। तब तक मैं इंतजार करूं, ना खाऊंगा ना पीऊं, नहीं थोड़ा सा पानी पिला दे। बट प्राची तुम्हें पता है, अगर तुमने जवाब देने में एक साल लगा दिया तो तुम्हें किस तरह का अक्षय मिलेगा? दुबला पतला सा, मरगिल्ला सा। अब एक साल नहीं खाऊंगा तो हड्डियां तो बाहर आएंगी। बट आई प्रॉमिस यू, जिस दिन तुमने हाँ कह दिया ना, उसके 3 महीने में मैं एकदम बॉडी बॉडी बना के तुम्हारे सामने आ जाऊं। लेकिन प्राची मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा, जब तक तुम मुझे हाँ ना पूछो। तुम आओ मेरे साथ। अरे अरे पर ओहो, अरे तू दुबला पतला होगा या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन ना तू जोरू का गुलाम जरूर होने वाला।